तो दोस्तों दर्शन भी हमने कर लिए हैं, अभी तो स्टार्ट होती है तब जाके यहाँ पे भीड़ रहती है। ये है हमारे लोग, चलते हैं अब माता देवी मैया के मंदिर में, वहाँ पे भी बेट उट चढ़ा के जाएंगे। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं माता रानी के मंदिर में, और आजकल यहाँ पे ये है दोस्तों देवी मैया का मंदिर, और यहाँ पे पुनर्निर्माण हो रहा है मंदिर का, पहले पत्थर वाला था। तो दोस्तों यहाँ पर अमन बहुगुणा की तपस्या चल गई है वगैरह है। अगली सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बहुगुणा ब्लॉग उत्तराखंडी में। तो दोस्तों फिर से मैं नई सुबह के साथ और नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मेरी हो रही है पहाड़ों की हसीन वादियों से। और आज हम जा रहे हैं, हमको आज हो गए हैं यहाँ पे काफ़ी दिन, और आज हम जा रहे हैं मंदिर, अपने इष्ट देवता के मंदिर गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर पे, वहाँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि फिर एक दो दिन में हम लोग चले जाएँगे। तो पहले भगवान जी के दर्शन कराते हैं, अपने इष्ट देव के दर्शन करने भी ज़रूरी हुए। तो दोस्तों हम भी चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, आप लोग भी चलिए हमारे साथ और बने रहें वीडियो में। तो हम लोग जा रहे हैं और अमन कह रहा है पापा रास्ता खराब है गोदी में पकड़ो। तो अमन तो आ रहा है हस्बैंड जी की गोद में, और तन्नु भी है, विनय हमारे साथ कहीं नहीं आता है, वो घर से घर में बैठा हुआ है आराम से, और हम लोग चल रहे हैं। नमस्कार, घास काट के आ गए। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, और ऊपर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से नीचे मंदिर तक का गांव का रास्ता है, ये एकदम खड़ा रास्ता है। और देवरानी जी लोग कल भी देखे होंगे आप लोग ने वीडियो में, वो लोग घास काट के भी पहुँच गए घर को, और ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ये ऐसे खड़े रास्ते हैं एकदम। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, डर भी लग रही है क्योंकि रोज़ाना चलने वालों को तो आदत बनी रहती है, और हम कभी कभार वाले हुए तो पैर थोड़ा डगमगा जाते हैं, इस वजह से थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। तन्नु कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। फिर तन्नु भी चले जाएगी दोस्तों अपनी पढ़ाई करने के लिए देहरादून, तो थोड़ा हमारे साथ इधर उधर घूमने के लिए हम आए हैं तो सही हो रखा है। इसकी भी गर्मियों की छुट्टियाँ पूरी हो गई हैं, एक महीने के लिए आई थी है और अब चले जाएगी। पत्थर को उठाते हैं यहाँ पर। नमस्कार हो, और ठीक ठाक सा? बिल्कुल।
तो दोस्तों दर्शन भी हमने कर लिए हैं। अभी तो मंदिर में ताला लगा हुआ है और भेड़ टूट चढ़ाने के लिए साइड से खुले छोड़े हैं। यहाँ से हम लोगों ने भेड़ चढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे नवरात्रि या जब कुछ अवसर होता है तब पूजा पाठ होती है, तब जाके यहाँ पे भीड़ रहती है। ये है हमारे इष्ट देवता गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। तो सब काम काज इन्हीं से लेके हैं, इन्हीं का नाम लेके हैं सब कुछ। तो हमने दर्शन कर लिए हैं। अभी हम लोग आजकल कोई ऐसा पर्व नहीं है, तो ऐसे हम लोग आके यहाँ पे भेड़ उड़ चढ़ा के दर्शन करके जा रहे हैं। फिर कभी कुछ यहाँ पे होली वगैरह या कुछ नवरात्रि में पूजा पाठ वगैरह होगी तो उस टाइम पे यहाँ पे भीड़ रहती है, सब कुछ होता है उस टाइम पे, सब लोग आते हैं। तो अगर तब हमें टाइम लगेगा फिर आएंगे हम लोग। और अभी खाली हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए हैं, तो आप लोग यूँ ही बने रहें वीडियो में। हम लोग चलते हैं अब माता देवी मैया के मंदिर में, वहाँ पर भी भेड़ टूट चढ़ा के जाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारा इष्ट देव गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। अभी हम लोग अंदर गए थे और ये मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे है ये, तो हम लोग यहाँ से निकलने लग गए, यहाँ से जाते हैं देवी मैया के मंदिर में। और उससे पहले दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं माता रानी के मंदिर में। और आजकल यहाँ पे भी थोड़ा काम हो रहा है माता रानी के मंदिर में। पहले पत्थर का था ये मंदिर, तो अभी इसको अच्छा बना रहे हैं। तो और यहाँ पे मंदिर की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हैं, तो भेड़ उड़ अभी फिलहाल के लिए यहीं पर चढ़ाई जा रही है, पूजा पाठ यहीं पर हो रही है। यहाँ काम चला है मंदिर का, मंदिर थोड़ा अच्छा बनाया जा रहा है यहाँ पे, तो ये चल रहा है। यह है दोस्तों देवी मैया का मंदिर, और यहाँ पे पुनर्निर्माण हो रहा है मंदिर का। पहले पत्थर वाला था, तो अभी ईंट और ऊपर से भी पत्थर वाला था, तो ऊपर लेंटर डाल के इसमें बढ़िया बना दिया है। और तब तक यहाँ पे मैया की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, तो यहीं पे हम लोग भेंट उड़ चढ़ाएंगे। तो शायद अगली बार आएंगे तो तब तक ये तैयार हो जाएगा मंदिर। तो अब हम लोग भेंट उड़ चढ़ा लेते हैं, फिर हम घर को चलते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अमन बहुगुणा की तपस्या चल गई है, वो कह रहा है अगली बार आने तक मंदिर हमारा तैयार हो जाएगा, उससे पहले मैं यहाँ पे तपस्या कर लेता हूँ, भगवान को खुश कर देता हूँ। तो इनकी तपस्या चली हुई है अभी, ये मंत्र मेरे समझ में तो नहीं आ रहे हैं। मैया के मंदिर में भी भेंट रूट हमने चढ़ा दी है और हम अब जाने लग गए घर को। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।